Hi guys, this is Sizzler Saloni and welcome to my channel. This is the first time I'm coming कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन. आज जन्माष्टमी है, आज क्रिस्त का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके बारे में कुछ बातें की जाए, उनके नटखट बाल लीलाओं के बारे में, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में, गोपियों के साथ उनकी रास लीलाओं के बारे में, राधा के साथ उनके प्यार के बारे में, और कैसे उन्होंने आगे चलकर महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज मैंने ये येलो कलर का ड्रेस इसलिए पहना बिकॉज ये उनको पसंद है. लाइक येलो कलर उनको सिंबलाइज करता है, पीतांबर हम जिसे कहते हैं. तो मैंने सोचा कि आज उनकी पसंद का कलर पहनती हूँ मैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कृष्णा से इतना प्यार क्यों करने लगी हूँ, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न. तो लॉकडाउन में लास्ट ईयर इंक्लूडिंग दिस ईयर मैंने टोटल 5 बार महाभारत देखा है. मैंने पहले बीआर चोपड़ा का महाभारत देखा, मुझे वो इतना पसंद आया. फिर मैंने न्यू महाभारत देखा, स्टार प्लस पे जो आता था वो देखा, मुझे वो इतना पसंद आने लगा. टोटल मैंने वो नए और पुराना महाभारत मिला के मैंने टोटल 5 बार देखा. एंड उसके बाद से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है. मुझे लगता है कि अब मैं जितना प्यार कृष्ण से करती हूँ शायद मैं उतना प्यार किसी और से कर पाऊँगी. कृष्णा इज़ द बेसिस ऑफ माई लाइफ एंड आई रियली लव हिम सो मच. अगर कोई ये कहता है कि कैसे मीरा बिना देखे कृष्णा को इतना प्यार कर सकती है, तो ये काफ़ी नॉर्मल बात है. कृष्ण है ही इतनी खूबसूरत कि उनको कोई बिना देखे भी प्यार कर सकता है. उनकी जब उनकी फ़ोटो देख के जब हम उनकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, तो आप लोग सोचो दोस्तों कि वो रियल में कैसे होंगे. और अगर ये कहा जाता है कि कृष्ण जब अपना बांसुरी बजाते थे और गोपियां पागलों की तरह खींची चली आती थी, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है बिकॉज उनकी बांसुरी में वो बात थी. जो जिस हालत में था, जो भी काम कर रहे हैं गोपियाँ या कोई भी, वो कृष्ण की बांसुरी के आगे किसी का नहीं चलता था. तो दोस्तों शुरू करते हैं उनके जन्म प्रसंग के बारे में. हम सबको पता है कि उनका जन्म जेल में हुआ था, कारागार में. एंड अपने शायद आप लोगों ने भी वो फोटो देखा होगा जब इतनी अंधेरी रात में कैसे वसुदेव उनको वो टोकरी में लेकर पार कर रहे होते हैं यमुना नदी. एंड वो जो ऊपर में वो टोकरी के ऊपर में वो इतना क्यूट सा छोटा सा एक बच्चा होता है, ऐसे पैर पैर फेंक रहा होता है. एंड मतलब हिस्सों वो फोटो में कितनी बार भी देखती हूँ मुझे लगता है मतलब कितना क्यूट से मतलब थे वो. रात के अंधेरे में, रात 12 बजे उनका जन्म हुआ था, वो भी इतने सारे पैरों के बाद बावजूद, बट वो फिर भी इतने उनके चेहरे पे इतनी स्माइल थी, पूरी लाइफ उनके चेहरे पे इतनी स्माइल रही. उनकी लाइफ में हमेशा जिससे भी उन्होंने प्यार किया वो हमेशा छूटता रहा. पहले वो अपने माँ बाप को उन्होंने पहले उनको छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद वो उनका सारा बचपन गोकुल वृंदावन में बीता. फिर जब वो बड़े हुए तो मथुरा आ गए और कंस को मारने के लिए, तो फिर उनका मथुरा वृंदावन और मथुरा भी छूट गया. फिर वो जिनसे प्यार करते थे राधा जी भी छूट गई, बट उन्होंने कभी हार नहीं माना. लाइक इज़ ऑलवेज हैप्पी. और वो उनका हमेशा से यही था कि धर्म की स्थापना करनी है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है. धर्म की स्थापना के लिए आपको चाहे आप बाय हुक और बाय क्रुक धर्म की स्थापना करनी है, और धर्म का स्थापना होना चाहिए दुनिया में, तो होना चाहिए. तो आगे चल कर उन्होंने पांडवों को भी हेल्प किया उनको विजय दिलाने में. और ये भी सच है दोस्तों कि अगर वासुदेव कृष्ण उन अर्जुन के सारथी नहीं होते या उन्होंने महाभारत में पांडवों का सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद पांडव कभी महाभारत के युद्ध कभी जीत नहीं पाते. तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम वो फोटो देखते हैं कि अर्जुन के सारथी बने हैं श्री कृष्ण, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं है, वो हम सबके सारथी हैं. जितने भी लोग हमारे लाइफ में हैं, हम लोग जितने भी लोग जी इस धरती पे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सिंबलाइज करता है कि आप फिक्र मत करो, आपके सारथी कृष्ण हैं और आपको वो हर हाल में बाय हुक और बाय क्रुक आपको लाइफ में एंड ऑफ द लाइफ आपको विजय ही मिलेगी. लाइक आप यू विल नॉट बी अ फेलियर, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द एंड. एक तो मुझे वो लगता है. दूसरा ये है कि एक और महाभारत का काफ़ी अच्छा प्रसंग है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं कृष्ण से हेल्प
मांगने के लिए, युद्ध के लिए, युद्ध में साथ देने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला होऊंगा। मैं ये प्रण भी करता हूँ कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये ग्वाला है, ये तो शस्त्र भी नहीं उठाएगा और ये अकेला भी है, तो मैं क्या करूँगा इसे लेके। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना के बारे को मांगा और अर्जुन ने बोला कि मैं क्या करूँगा नारायणी सेना लेके जब नारायण ही मेरे पास हो। एंड ये सच बात है बिल्कुल की पूरी नारायणी सेना एक तरफ और नारायण स्वयं एक तरफ, और आप देख लो कि जीत किसकी हुई। तो जिस तरह से कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाया, मैं मानती हूँ कि बाय हुक और बाय क्रूक उसमें काफ़ी साम दाम दंड भेद लगाया, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका कहना है कि सही का साथ दो, धर्म का साथ दो, किसी भी हालत में अधर्म को मत टॉलरेट करो और कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों का नुकसान हो। और सबसे अच्छा मुझे वो लगता है जो वो गीता का उपदेश उन्होंने दिया है। एंड आई थिंक अगर कोई भी अपनी लाइफ में गीता का उपदेश को एज अ बेस बनाता है तो उस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को लेके कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज नहीं लगेगा। लाइक ही सेड कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और बी डिटैच्ड फ्रॉम एवरीबॉडी, लाइक बी अ पर्सन, बी एनीथिंग, कुछ भी हो, आपके लिए कोई इंसान हो, कोई जगह हो, डेजिग्नेशन हो, कुछ भी हो, आपको उससे अटैच नहीं होना है। सो मोह माया से आप ऊपर उठ के रहो जिंदगी में और मेरी शरण में रहो। अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये भी सच है दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हर बहुत सारे रिश्तों के बीच हमारे लाइफ जिंदगी बीत रही होती है। बट अगर आप सोचो कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई हो या खुशी हो तो वो कहीं नहीं। लाइक सच्चाई और खुशी अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के चरणों में है। का प्रश्न ये है कि द्रौपदी चीरहरण के टाइम पे, द्रौपदी जो कि भीष्म पितामह की कुलवधू है, हस्तिनापुर की कुलवधू थी, उसके पांच महारथी पति थे, हस्बैंड थे, बट कोई भी उस टाइम पे काम नहीं आया दोस्तों कोई। इससे अंत में अगर किसी ने द्रौपदी को बचाया तो वो मेरे कृष्ण ही थे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप चाहे कितने भी रिश्ते दुनिया में बना लो, अगर आपने एक रिश्ता सांवरियाँ से नहीं जोड़ा है तो कोई भी रिश्ता काम आने वाला नहीं है। और दोस्तों वो इतने सुंदर है कि उनके बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब नीचे से सर पैर से लेके सर तक वो इतनी खूबसूरत हैं। उनके हाथ में जो बंसी है, उनके सर पे जो मोर पंख है और उनका ग्वाला, सॉरी उनकी वो गायों को बहुत मानते थे, और उनकी जो नटखट नटखट बाल लीलाएँ हैं वो इतनी प्यारी प्यारी है कि मतलब इंसान सुन के ही अद्भुत महसूस करने लगता है। बात करें अगर उनके प्रेम प्रसंग की तो राधा से उनका बहुत प्यार था, हालांकि उनकी 16,108 पत्नियां थीं, उन्होंने 16,108 बार शादी किया, लेकिन फिर भी उनको कहीं भी वो सुकून, वो प्यार नहीं मिला जो जिसके लिए वो तड़पते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ राधा में ही था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के जैसा प्यार शायद ही दुनिया में किसी का हो। वो दो नहीं थे दोस्तों, वो एक ही थे और दो जिसमें एक जान थे। अगर किसी कोई प्यार की बात करता है, प्यार की मिसाल करता है, तो राधा और कृष्ण का प्रेम इतना इतना ब्यूटीफुल, उनका प्रेम इसलिए भी इतना ब्यूटीफुल था बिकॉज वहाँ पे कोई शर्त नहीं थी। लाइक वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ निभाना है या मुझे तुम्हारे साथ निभाना है, ये तुम मेरे बदले में ये करो, मैं तुम्हारे बदले में वो करूँगा, या कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे एक दूसरे से, बस प्यार था। और आज की डेट में ऐसे रिश्ते ऑब्वियसली नहीं होते जहाँ पे सिर्फ प्यार हो। तो दैट्स द रीज़न वो एक बेमिसाल लव स्टोरी है। एक अभी हम प्यार की बात करते तो हमारे माइंड में सबसे पहले राधा कृष्ण का प्रेम क्लिक करता है, और 16,108 पत्नियाँ होने के बावजूद भी उनको आज अगर उनका नाम लिया जाता है तो राधे राधे बोल के लिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि आप हो ना हो लेकिन आपका प्यार, आपके प्यार के नाम से आपको जाना जा रहा है आज की डेट में।
और इतना कुछ होने के बावजूद उनका बचपन में वृंदावन छूटा, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, और फिर महाभारत का युद्ध करवाने के बाद फिर वो द्वारका शिफ्ट हो गया था। द्वारका में उन्होंने अपने पूरे नगरी बसाई और द्वारका में राज किया इतने सालों तक। तो महाभारत में, महाभारत के प्रसंग में उन्होंने बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने उन्होंने पांडवों को बहुत हेल्प किया, क्योंकि पांडव उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत मानते थे, अपना लाइफ उन्होंने पांडवों ने सौंप दिया था कृष्ण को। तो जिस सेम लाइक अस, अगर हम भी अपनी लाइफ कृष्ण को सौंप दें तो हमारे भी लाइफ को ही विल टेक केयर ऑफ, हमें अपनी लाइफ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलूँ मैं, वो इतने खूबसूरत हैं, उनको देख के ही कुछ कुछ हो जाता है, उनकी बांसुरी में इतनी ताकत है, उनका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहता है लाइफ में कि यू फील सो कम्प्लीट। तो कृष्ण कृष्ण है। वैसे दोस्तों कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो लेट्स सी, आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे उनके कितने सारे नाम पता है। तो स्टार्ट करते हैं उनके नाम के बारे में जो मुझे पता है। कृष्ण, कृष्णा, कान्हा और एल्स कन्हैया, गोपाल, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, माधव, केशव और नंदकिशोर, गोपाल तो मैंने बोल दिया, और क्या नाम है यार, मुझे उनका नाम मधुसूदन बहुत पसंद है, आई लव द नेम मधुसूदन, और बहुत सारे नाम है, मैं अभी भूल गई हूँ किस किस नाम से बुलाऊँ उन्हें। रूप अनेक, नाम अनेक बट वो एक है। और तो ये थी दोस्तों कुछ कुछ बातें कृष्णा से रिलेटेड, और क्या बताऊँ मैं, उनके प्यार में बहुत ताकत है, उनमें बहुत ताकत है, और उनकी लीलाओं में बहुत अजीबोगरीब नशा है। तो ये है मेरे कृष्ण, जिनको कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो आप शब्दों में, कृष्ण को कोई शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कृष्ण के बारे में कुछ बातें रोचक प्रसंग पसंद आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आगे और भी वीडियोज़ बना सकती हूँ कृष्णा के ऊपर। तो आई होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, और लास्ट में सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।